अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल में। इस चैनल पर हम हमेशा आपके लिए बहुत सारे नक्श या फिर अमल बताते हैं जो कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करता है। आपकी जिंदगी में जो मसले चल रहे होते हैं उसके हम हल बताते हैं। मौलवी साहब हमें बताते हैं कुछ ऐसे ही नुस्खे, कुछ ऐसे ही उपाय और ऐसे अमल जो कि मदद करते हैं आपकी जिंदगी से जो भी आपकी समस्या है उसको हल करने के लिए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक नींबू से एक ऐसा अमल जिसे अगर आप करते हैं तो आपकी मोहब्बत आपके लिए दीवानी हो जाएगी, आपकी बाहों में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगी। आपको बस एक बात का ख्याल रखना है दोस्तों कि आपके जहन में सच्चे मन से आपको अपने जहन में उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप चाहते हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं अपनी मोहब्बत को पूरा करना। अपनी मोहब्बत को अगर हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहते हैं तो आप इस अमल को ज़रूर करें। सच्चे मन से सच्ची दुआ के साथ आपको ये अमल करना होगा। बिल्कुल भी अपने मन में कोई भी नेगेटिव या कोई भी ऐसा विचार ना रखें कि कोई समस्या खड़ी हो। आपको क्या करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उस पर आपको अपने पति का नाम, अगर आप अपने शौहर को अपने वश में करना चाहते हैं तो शौहर का नाम लिखना है, पीछे अपना नाम लिखना है। अगर प्रेमिका को वश में कर रहे हैं तो अपना नाम लिखने के बाद पीछे की तरफ आपको अपनी प्रेमिका का नाम लिखना होगा। इस तरह से एक नींबू ले लीजिए दोस्तों और नींबू को अपने सीधे हाथ में रखने के बाद आपको पढ़नी है दुरूदे पाक। जी हाँ, दुरूदे पाक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको उसके बाद उसका नाम लेना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। तो आपके वश में उस महिला को या उस इंसान को करने के लिए आपको एक बात का और ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको ये सच्चे मन से पढ़ना है। और दूसरी बात ये है कि आप जब दुरूद पाक पढ़ लें तीन बार तो उसके बाद आपको पढ़ना है मोहब्बतन मिनी। जी हाँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको ये मोहब्बतन मिनी जो है वो पढ़ना है 311 बार। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। 311 बार आपको मोहब्बतन मिनी पढ़ने के बाद इस पर फूकना होगा, नींबू के ऊपर फूकें। 311 बार आपको नींबू के ऊपर फूकना है दोस्तों। और आपके घर के आसपास में कोई भट्टी हो तो आपको ले जाकर वहां पर इस नींबू को डाल देना है। इस नींबू को डालते समय फिर से आपको अपनी मोहब्बत के बारे में सोचना है और आप जब घर वापस आएंगे तो आपकी मोहब्बत आपकी बाहों में होगी, मोहब्बत आपसे फिर से मोहब्बत करने लग जाएगी। जो भी वो व्यक्ति है, चाहे वो महिला है या पुरुष है, आपसे फिर से उसे प्यार हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई और मसला है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा, मौलवी साहब आपके हर सवाल का, हर एक समस्या का हल बताएंगे। शुक्रिया दोस्तों।